हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू टेलीवुड रीप्ले। तो गाइज़, आज TRP डे है। वैसे कल था, लेकिन ईद के कारण डिले से TRP आनी थी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर इस वीडियो में सारे सीरियल्स की TRP आपको देखने को तो मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं यहाँ पर टेलीवुड रीप्ले पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, बिकॉज आप सबके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सेम टाइम आप सब लोगों को शुक्रिया भी है, थैंक यू भी है। आप सबने बहुत ही अच्छे तरह से अपना सपोर्ट दिखाया और ऐसे ही दिखाते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे TRP वाले वीडियो को। सबसे पहले NTV के सीरियल्स पे नज़र डालते हैं। तो अटल सीरियल की 0.2 है, BR अंबेडकर की भी 0.2 ही है, भाभी जी अप्पू की 0.3 है, जो कि हाईएस्ट है चैनल की। बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ, जो कि स्टार भारत है। यहाँ पर बागिन की 0.2 है, शैतानी रस्में की 0.3, भगवान परशुराम की भी 0.2 है और सावधान इंडिया की भी 0.2 है। तो आगे चलते हैं अगले चैनल की तरफ, जो कि है दंगल चैनल। तो गाइस, दंगल TV पे मिलके भी हमने मिले 0.2 की TRP लेकर आया है इस हफ्ते। उसके बाद कैसा है रिश्ता अनजाना, जो कि लेकर आया है 0.2 की TRP। उसके बाद आगे बढ़ें तो गैस, हमें मारुति सुंदर देखने को मिलता है, जिसकी TRP में ड्रॉप देखने को मिला है, 0.8 हो चुकी है। और फिर आगे जेवर चलते हैं जंजीर है, जो कि 0.3 की TRP इस हफ्ते लेकर आया है। तो इसकी भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं चल रही है। उसके बाद तोसे नैना मिलाई के, इसकी TRP भी 0.3 ही है, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। और नया सीरियल दीवानी, जो कि रिसेंटली लॉन्च शो ही है, तो इसकी TRP भी पुअर परफॉर्मेंस चल रही है, 0.2 की TRP लेकर आया है इस हफ्ते तो भी। अब हम आगे बढ़ते हैं सोनी TV के शोज़ की ओर, देख लेते हैं। तो काव्या एक जज्बा एक जुनून 0.2 की TRP लेकर आई है इस हफ्ते भी। उसके बाद अगले शो की ओर आगे बढ़ें और प्राइम टाइम स्लॉट्स की ओर जाएं, तो यहाँ पर हमें दबंगी सीरियल देखने को मिलता है, जो कि इस हफ्ते 0.2 लाया है। और उसके बाद जो नया सीरियल है कुछ रीत जगत की ऐसी, इसकी भी 0.2 ही है। उसके बाद श्रीमद रामायण है गाइस, श्रीमद रामायण की TRP भी नीचे जा रही है, 0.6 की TRP ये लेकर आया है इस बार। और फिर आगे चलकर मेहंदी वाला घर है, जो कि 0.4 की TRP लेकर आया है। और यहाँ पर इसकी TRP थोड़ी स्टेबल सी ही है, इसी के राउंड की लेकर आ जाया करता होता है। रियलिटी शोज़ वीकेंड वाले वहाँ पर जाएँ तो सुपरस्टार सिंगर की 0.8 है। और फिर उसके बाद जो मैडनेस मचाएंगे है, इसकी TRP इम्प्रूव हुई है, 0.4 हो गई इसकी TRP, बट हाँ स्टिल कुछ खास TRP नहीं है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले चैनल्स की ओर, ZTV की ओर चलते हैं। सास माँ बहू बेटी होती है 0.2 की TRP सिर्फ लेकर आ पाया है। उसके बाद यहाँ पर एक कुड़ी पंजाब दी सीरियल देखने को मिलता है, जो कि 0.3 की TRP लेकर आया है, इसकी TRP भी काफ़ी नीचे चली गई फिर है। है शिव शक्ति, इसके TRP पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, IPL वगैरह के कारण हो रहा है, 0.7 की TRP लेकर आ पाया है और डाउन जा रही है। इसके बाद है अगला सीरियल राधा मोहन, इसकी TRP भी नीचे गई है, 1K मार्क से भी नीचे ड्रॉप हो चुकी है, 0.9 की TRP लेकर आया है इस बार। अगला जो सीरियल है वो है भाग्य लक्ष्मी, 1.2 की TRP शो लेकर आया है। फिर है कुमकुम भाग्य, जो कि 1.3 की लेकर आया है, यानी कि भाग्य लक्ष्मी से बेटर परफॉर्मेंस रही है। और फिर इसके साथ वाला ही सीरियल, जो कि कुंडली भाग्य, उसकी TRP भी सेम 1.3 ही देखने को हमें मिलती है। अगला सीरियल है कैसे मुझे तुम मिल गए, तो गैस ये सीरियल 1.0 की TRP इस बार लेकर आया है, थोड़ी बहुत डाउन तो इसकी भी गई है। फिर रब से दुआ है, इसके TRP पे भी असर पड़ रहा है, 0.7 TRP हो चुकी है हर हफ्ते, शो की TRP कम हो रही है पहले से। आगे बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ, जो कि सब TV है। 7 बजे पे जो वंशज आता है, उसकी TRP 0.5 देखने को मिलती है। उसके बाद 7:30 बजे पे आंगन अपनों का सीरियल है, 0.4 की TRP जो कि लेकर आया है। और गैस फिर प्राइम टाइम स्लॉट्स की ओर आगे चलें तो ध्रुव तारा अपनी 8 बजे की स्लॉट पे 0.5 की TRP ही लेकर आया है, ज़्यादातर ज़्यादा हफ्तों में इसकी इतनी रहती होती है। और फिर आगे चलें तारक मेहता की ओर, जो इसकी TRP इस हफ्ते 1.5 आई है। और फिर उसके बाद 9 बजे पे जाएं तो वागले की दुनिया की TRP भी नीचे गई है, इस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, 0.8 की TRP हो चुकी है और कुछ हफ्तों से 1.0 के मार्क को इसने टच नहीं करा है। उसके बाद इसके साथ वाला सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल, वो इससे बेटर परफॉर्मेंस लेकर आया है इस हफ्ते, 0.9 की TRP लेकर आया है। 10 बजे पे भी वंशज आता है और 10 बजे पे वंशज की परफॉर्मेंस बेटर है, 0.7 की TRP लेकर आ रहा है, काफ़ी स्टेबल चल रहा है, 10 बजे के हिसाब से बढ़िया परफॉर्मेंस है। और फिर आगे चलते हैं कलर्स TV की ओर, जहाँ पर सुहागन सीरियल इस हफ्ते 0.8 की TRP लेकर आया है। अर्ली टाइम स्लॉट वाले सीरियल ये हम देख रहे हैं, उड़ारियाँ 1.1 लेकर आया है, तो उसकी TRP ड्रॉप हो ही रही है और अब टाइम स्लॉट भी बदलने वाली है, फिर और मुश्किल हो जाएगा। आगे है परिणीति, जो कि 1.3 की TRP लेकर आई है, इसकी भी TRP पिछले कई हफ्तों से डाउन चल रही है, IPL से पहले भी। प्राइम स्लॉट्स पे आ गए हैं शिव शक्ति, TRP इस हफ्ते 1.6 की लेकर आया है ये सीरियल। उसके बाद आगे चलते हैं डोरी की ओर, तो 1.4 की TRP डोरी लेकर आई है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा मेजर वाला इफेक्ट नहीं पड़ा है इनकी TRPs पर, जितनी होती हैं उसके राउंड ही रही है प्राइम स्लॉट्स वालों की। तो जैसे कि मंगल लक्ष्मी 1.5 की लेकर आ रहा है, IPL से पहले भी इतनी ला रहा था। उसके बाद मेरा वालम थानेदार है, जिसकी TRP 1.2 है, IPL के बाद ही डेंजर में आ सकता है बंद होने के। उसके बाद है कयामत से कयामत तक, ये 0.6 की TRP ही लेकर आया है इस हफ्ते भी, और जब से स्टार्ट हुआ है ऐसी ही TRP लेकर आ रहा है।
फिर वीकेंड वाले शो पे जाएं जो कि डांस दीवाने हैं 1.1 के टीआरपी लेकर आया है, जो कि लैकलस्टर परफॉर्मेंस है, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रह रही है। आगे चलते हैं स्टार प्लस की शोज़ की ओर। तो गाइस शाम के सीरियल्स में से आंख मिचोली 0.5 के टीआरपी इस हफ्ते लेकर आया है। उसके बाद अगला सीरियल है तेरी मेरी डोरियां, जो कि 1.4 के टीआरपी लेकर आया है। यहाँ पर क्लियरली बहुत इफेक्ट पड़ रहा है आईपीएल का ये वाले सीरियल्स पर, स्पेशली शाम वाले सीरियल्स पर स्टार प्लस के। उसके बाद वनडे स्टोर है 1.5 के टीआरपी के साथ 8 बजे वाले टाइम स्लॉट की ओर आगे चलते हैं। यहाँ पर घूमे किसी के पैर में आता है, ये सीरियल पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है आईपीएल वगैरह का। 2.3 की टीआरपी लेकर आया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है हर हफ्ते की तरह। उसके बाद इमली सीरियल है, जो कि इस हफ्ते 1.5 की टीआरपी लेकर आई है। और इमली सीरियल में काफ़ी मेजर चेंजेस भी देखने को मिलेंगे स्टोरी लाइन में टीआरपी वगैरह इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद उड़ने की आशा है, इसकी टीआरपी भी 1.5 ही है, नया सीरियल है ये। उसके बाद है ये रिश्ता क्या कहलाता है 1.9 के टीआरपी के साथ, इसकी टीआरपी पर भी असर पड़ रहा है मल्टीपल डेज से, और यानी कि मल्टीपल वीक से, और 1.9 हो गई है, 2 से नीचे चली गई है। अनुपमा सीरियल की टीआरपी स्टिल बढ़िया है 2.3 के साथ, जैसे कि घूमे की टीआरपी है वैसे इसकी भी है। जैनक की टीआरपी पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा, शो की टीआरपी बढ़िया ही चल रही है, 10:30 बजे पर भी 2.1 की टीआरपी लेकर आ पा रहा है, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। उसके बाद ये है चाहते 11 बजे की मुश्किल वाले टाइम स्लॉट पे 1.1 की टीआरपी लेकर आया है। तो गाइस ये थी फुल टीआरपी, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए सारे लोगों के साथ जो कि टीआरपी देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं। और हर हफ्ते ऐसे टीआरपी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए, जैसे ही मैं टीआरपी वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप कंप्लीटली अपडेटेड रहें तेजी से कि कौन सा सीरियल ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आपका फेवरेट शो या फिर चैनल कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।